Hi everyone, I am Ram. I'm a professional dancer and choreographer. Currently, I'm pursuing professional dance instructor training program at IDOLS in association with Money Education. Through this video, I would like to share you one of the tips to improve your teaching skill. So let's begin the video. Number one, make a note of detailed information of what you'll be teaching in your class. So this will really help you to be more clear of what you'll be teaching, and also this will improve your time management and it will be more effective and engaged. I hope you will apply this tip in your teaching and stay tuned for further updates. Bye. क्या आपको स्टेज पे परफॉर्म करने से डर लगता है? अगर हाँ, तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका ये डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है. स्टेप वन, आप अपने परफॉर्मेंस की इतनी प्रैक्टिस करो कि आपका हर एक स्टेप परफॉर्मेंस का आपके बॉडी में मसल मेमोरी में रजिस्टर हो जाए. तो इससे क्या होगा, जब भी आप फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करोगे, बाकी के स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी करती जाएगी. आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि इस स्टेप के बाद में अभी कौन सा स्टेप है. स्टेप नंबर टू, आप ट्राई करो कि आप अलग अलग स्पेसेस पे प्रैक्टिस कर पाओ. तो इससे क्या होगा कि आपको फ्लोरिंग का नॉलेज मिलेगा. इसके अलावा हर स्पेस सेम साइज की नहीं होती है, तो आपको एडजस्ट कैसे करते हैं परफॉर्मेंस में वो पता चलेगा. जो ऑन द स्पॉट अगर आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपको उसका एरिया नहीं पता, तो आप मैनेज कर पाओगे स्टेज पे डायरेक्टली. स्टेप नंबर थ्री, बिफोर डूइंग मेन परफॉर्मेंस, परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल यू ऑलरेडी नो. जिन लोगों को आप पहचानते हो उनके सामने आप परफॉर्म कर सकते हो. वो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको आपकी परफॉर्मेंस पे जज ना करे, तो इससे आपको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और सबसे आखिर में फोर्थ पॉइंट, हम लोग डांस करते हैं अपनी खुशी के लिए. तो फिर परफॉर्म करते वक्त हमारे बारे में, हमारी परफॉर्मेंस के बारे में कोई क्या सोचेगा, ये ना सोचते हुए हम लोग खुद पे ध्यान दे, उस मोमेंट में रहे और हमारा बेस्ट दे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ, लेकिन इसके लिए ये चीजें भी मायने रखती है कि हम लोग सही ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस ट्रेनिंग की सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, ताकि आगे जाके हमें कोई पछतावा ना हो. Thank you so much for watching this video.